हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 11th अप्रैल 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.30% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 41.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली कैंडल भी यहाँ पे एक आप देख सकते हैं स्मॉल साइज की कैंडल बनी है, नीचे के साइड में हमें एक विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 50 के आसपास जो आ चुका है जो हमें दोनों साइड का यहाँ पे इशारा दे रहा है, मतलब करंटली न्यूट्रल सा अभी जो है RSI हमें दे रहा है अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए। इसकी वजह से मैं कई बार कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक में जो ट्रेंड है वो यहाँ पे फिलहाल जो है वो भी नेगेटिव है और यहाँ पे फ्राइडे के दिन जरूर स्टॉक ने जो 20 MA का एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए बाइंग हमें देखने मिली है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मंडे को यहाँ पे किस तरह से स्टॉक जो परफॉर्म करता है वो हमें जरूर देखना है। याद रखना नेक्स्ट वीक सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डे है, मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे। थर्सडे फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट बंद है और सैटरडे संडे को तो वैसे भी मार्केट बंद होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो थोड़ा सा जो स्टॉक में कॉशियसली काम करना है, मंडे के दिन स्टॉक में किस तरह से परफॉर्मेंस आती है वो हमें जरूर देखनी है। बाकी यहाँ पे मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन होती है वो सारी की सारी हम बात जो है फिलहाल 1 आवर के चार्ट में ही बात करेंगे। करेंटली यहाँ पे हमारा जो है ओपिनियन थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए जो है वो बन रहा है। हाय यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 41.28 के आसपास हमें स्टॉक जो गिरते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे मंडे को किस तरह से परफॉर्मेंस होती है उसी बेसिस पे हम नेक्स्ट डे के लिए जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे आप आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में जो है हमने बात ऑलरेडी 1 डे में कर ही ली है, 1 आवर के चार्ट में हम बात करते हैं मंडे के लिए स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे सारे के सारे जो है वो मार्क्ड है। तो यहाँ पे हमें कोई मार्किंग्स करने की जो जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो 41.90 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता है 41.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 42 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है इस एरिया को हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब मंडे को अगर इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट
और दो रेसून यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसून, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 41.10 का, उसके बाद क्या आता है 40.80 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसून के बाद का अगला रेसून आता है 42.30 का, उसके बाद क्या आता है 42.85 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसून यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो है आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो जरूर एक पॉजिटिव साइड का जो बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट रेसिंग के बहुत ही पास में क्लोजिंग भी हुई है, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो बहुत ही बढ़िया मोमेंट हमें मंडे के दिन जो है देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो आने वाले दिनों का जो है यहाँ पे टारगेट भी जो वो चेंज होता है, मतलब जो डाउन साइड का था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम मंडे के दिन जिस तरह से हम जो स्टॉक में हमें प्री ओपन मार्केट में देखने मिलने वाला वो तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ क्लोजिंग भी यहाँ पे पॉजिटिव होती है या फिर नहीं वो भी हमें देखना है। करंटली मुझे यहाँ पे जो है हाई चांस लग रहा है कि हमें पॉजिटिव जो है क्लोजिंग देखने मिल सकती है। इवन यहाँ पे 42 से लेकर 42.30 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है वो हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई हमारे डायरेक्ट सपोर्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो है क्रॉस करके, तो इवन उससे भी ऊपर हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताओ, क्यों लगता है आपको ऐसा मोमेंट आ सकता है वो भी हमें जरूर बताए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।